हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगिनर किड्स। सो फ्रेंड्स, मात्राएं जहां जैसा कि अब तक हमने कर ली हैं ऑलमोस्ट, अभी लास्ट ये जो मात्रा बचती है ये बचती है ऋषि। ऋषि जो अक्षर होता है वो बच्चों के लिए बनाने में भी बहुत टिपिकल होता है, तो लास्ट में करवाया जाता है जब हम स्वर करवा रहे होते हैं। और ये मात्रा बेसिकली थोड़ा बहुत इनको प्रैप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन आफ्टर फर्स्ट क्लास में इसको एक अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे करवाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ये वृक्ष, तो ये मात्रा का जो साउंड होता है वो रैक के रूप में निकलता है, रॉ आ रॉ रॉ वै के साथ जब ये जुड़ती है तो वृक्ष, और ये क्षत्रिय श। तो बच्चे को ये आपको बताना है, दिस इज ये इसका वे है बनाने का। इट्स मच सिमिलर टू लाइक ऊ की जो मात्रा होती है, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो बच्चे को साथ में बताना है। ये थोड़ा सा बनता है बिल्कुल हल्का सा और वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो दिस इज इसका साउंड होता है व्र र र, लाइक जैसे कि ये व्र का साउंड है। आगे वही व्यंजनों के साथ मिलाकर बच्चे को लिखवाना होता है, देन आफ्टर ऋषि की मात्रा से संबंधित जो शब्द हैं जैसे कि घृत मृत तृण वृक्ष वृष ऋण मृग ग्रह तो ज्यादा नहीं होते ये, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि इस क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आगे घृत नृप तृण वृक्ष वृष ऋण मृग ग्रह, और ऐसे ही नेक्स्ट बुक में भी यही सिमिलर वर्ड्स दिए हुए हैं, घृत मृत तृण वृक्ष वृष ऋण मृग ग्रह। तो इस तरह से आप इस मात्रा को बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा जो कि लाइक आप UKG क्लास में हिंदी का जो रेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इन सब के अलावा जो आप करवा सकते हैं वो लाइक जब बच्चे ये सारी मात्राएं अच्छे से करने लग जाते हैं, तो आप रंगों के नाम बच्चे को इस तरह से लिखवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है लाल हरा काला नीला पीला आसमानी गुलाबी सुनहरा। तो यहाँ सारी मात्राएं आ गई हैं बच्चे के लिए। तो इस तरह से आप पहले रंगों के नाम लिखवा लीजिए, फिर लाइक दोबारा से रंगों के नाम है सफेद भूरा सलेटी बैंगनी मेहंदी नारंगी महरूम, बच्चों से रीड करवाइए राइट करवाइए। फिर फलों के नाम बच्चों से आप करवा सकते हैं, लाइक अमरूद तरबूज चीकू खरबूजा केला सेब बेर संतरा अंगूर। यहाँ कुछ सब्जियों के नाम दिए हुए हैं, मटर पालक टमाटर गाजर धनिया खीर फली ककड़ी पुदीना। कुछ और सब्जियों के नाम है जैसे कि बथुआ तुरई मूली आलू मेथी करेला गोभी लौकी। जानवरों के नाम जैसे कि बाघ गाय गधा हिरण सियार जिराफ चीता बकरी। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो, क्योंकि ये कॉपी की तरह बनावट है इसकी, तो इस तरह से ही बच्चों को जो भी अक्षर बच्चा लिखता है तो लाइन जो इस तरह की थ्री लाइंस दी हुई हैं उसमें शेपिंग बताई हुई है कि कहाँ से अक्षर की शुरुआत होगी और किस तरह से उसकी घुमाव है, या जो भी लाइन्स हैं उसको इसी तरह से ड्रॉ करे बच्चा, तो इससे क्या राइटिंग बहुत प्रॉपर बच्चे की निकल कर आएगी। आगे जानवरों के नाम है जैसे कि हाथी लोमड़ी भालू चूहा घोड़ा खरगोश बैल बंदर। पक्षियों के नाम है सारस बाज बतख चिड़िया चील बगुला मुर्गी बुलबुल। अभी आगे जैसे कि ये पक्षियों के और नाम है, कबूतर मोर कोयल तोता कौआ गौरैया मैना हंस। कुछ फूलों के नाम, कमल सदाबहार रातरानी नरगिस गुलाब गुड़हल कुमोदिनी चमेली। तो ये हिंदी का सिलेबस है बेसिकली। हिंदी में आप मात्राएं कराने के बाद ये सब चीजें आप करवा सकते हैं बच्चों को। इसमें
बच्चों की सारी मात्राएं क्लियर होती जा रही हैं और भी अच्छे से कनेर फलों के नाम सॉरी फूलों के नाम कनेर गेंदा मोगरा चंपा सूरजमुखी नागपंचम्पा और हरसिंगा का फूल जो होता है। अभी वाहनों के नाम बस कार नाव जहाज विमान जीप ट्रक मोटर। आगे और भी वाहनों के नाम दिए हुए हैं तांगा रिक्शा। अब ये आधा क आ गया है इसमें, तो ये अभी बच्चे को आगे बताया जाएगा कि आधा क क्या होता है। तो लाइक जो भी आधे अक्षर होते हैं उसके बारे में बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, उसके लिए उसका साउंड भी लाइक आधा ही निकलेगा। रिक्शा तो पूरा क नहीं बनता है, तो साउंड भी आधा ही होता है। साइकिल रेलगाड़ी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी स्कूटर यहाँ आधा से है, स्कूटर ऑटो रिक्शा यहाँ भी आधा है। अंगों के नाम कान नाक गला हाथ गाल हाथ गला बाल सिर जीभ। क्योंकि धीरे धीरे बच्चों को फ्लुएंसी आती है, जैसे कि इंग्लिश में है उसी तरह से ये सेम वे है कि लाइक जब वहाँ अलग अलग मात्रा ब्लेंड्स करवाने के बाद बच्चों से डॉल्स वर्स साइड्स वर्स करवाए जाते हैं, इसी तरह से ये है सेम हिंदी में भी कि आप जितने ज़्यादा शब्द बच्चों से रीड करवाएंगे राइट करवाएंगे तो उनका फ्लुएंसी और इंक्रीज होता जाएगा। तो लाइक अंगों के नाम यहाँ दिए हुए हैं घुटना पेट पैर कोहनी एड़ी दांत मुंह आंख। अब यहाँ सप्ताह के नाम जो कि इंग्लिश में बच्चों को करवाने हैं, और ये सारी चीजें जितनी भी इसमें लाइक मैं बता रही हूँ हिंदी में और इंग्लिश में सिमिलर आप करवाते चलिए। सप्ताह के नाम में सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार। महीनों के नाम जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब कुछ विलोम शब्द जैसे कि अपोजिट वर्ड्स के मैंने काफी सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो ये कराते हुए एक्टिविटी बेस आप करवाएं साथ में। तो छोटा बड़ा बिग स्मॉल काला सफेद ठंडा गरम ऊपर नीचे रात दिन सीधा उल्टा सही गलत मोटा पतला। तो इस तरह से बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाने अपोजिट वर्ड्स। फिर आगे जाकर वही सेम बात आती कि प्रश्न उत्तर में आपका क्या नाम है, आप कितने वर्ष के हैं, आपका घर कहाँ है, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, स्वयं का परिचय, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लास्ट में किए करवाए जाते हैं, जैसे कि आपकी माताजी का क्या नाम है, आपकी माताजी क्या करती हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका जन्मदिन कब आता है। तो इस तरह से ये हिंदी का ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होता है यूकेजी का। तो आपको ये सब इसमें करवाना है, इसके अलावा इनकी प्रैक्टिसिंग जो भी है। बेसिकली बच्चों को रीड ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, और रीडिंग के बाद बच्चों को क्या अंडरस्टैंड होता है तो वो आराम से क्लियरली क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं। तो आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विदाउट एनी डिले। सो हैव अ ग्रेट डे, ओम शांति, बाय बाय, टेक केयर।